नमस्कार, मैं राधिका लोहिया श्रीमती मोहरी देवी रापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपकर्म के प्रवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। तो उपकर्म के प्रवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, उससे पहले हम बात करेंगे उपकर्म का प्रवर्तन क्या होता है। तो किसी नए उपकर्म को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को उपकर्म का प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब कि कोई भी नया उपकर्म है, कोई भी नया उपकर्म का हम निर्माण करते हैं, उस निर्माण में जो जो कार्य किए जाते हैं, मतलब उसमें मशीन्स लगाई जाती है, कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उसमें, फिर उसमें है कि हम कच्चा माल लेके आते हैं अलग अलग प्रकार का, फिर उसको एकदम अच्छे से पक्का माल बनाते हैं, मतलब उसको एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में उपकर्म का जो परिवर्तन किया जाता है, उपकर्म के निर्माण के जो जो कार्य किए जाते हैं उसको हम उपकर्म का परिवर्तन कहते हैं। तो वो कहलाता है उपकर्म का परिवर्तन। तो आपको उपकर्म का परिवर्तन समझ में आया होगा, उपकर्म का परिवर्तन क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे उपकर्म के परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। तो उपकर्म के परिवर्तन की कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं। सबसे पहला है अवसरों की खोज करना, दूसरा है अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, फिर है प्रारंभिक तैयारियां करना, व्यावसायिक योजना का निर्माण करना, उपकर्म संरचना का निर्माण करना, वित्त की व्यवस्था करना और उपकर्म का शुभारंभ करना। ये सात जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, सात जो मैंने पॉइंट लिखवाए, उस पॉइंट को मध्य नज़र रखते हुए या फिर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलते हुए हम उपकर्म के परिवर्तन कर पाते हैं। तो सबसे पहला है अवसरों की खोज करना। तो अवसरों की खोज करना किस प्रकार, कि जैसे हम किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, अब उस क्षेत्र विशेष में क्या है, उस क्षेत्र विशेष में हम देखेंगे कि कौन से लोग ज़्यादा है, किस प्रकार की चीज़ों की वहाँ पे कमी है, तो किस तरह की चीज़ें हैं, किस प्रकार के उत्पाद हैं वहाँ पे, उनकी कमी देखी जाती है। तो उसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे शिक्षा के स्तर की कमी है, मतलब स्कूल्स है, विद्यालय महाविद्यालय आदि सब है, लेकिन वहाँ पर एक उपयुक्त जो शिक्षा होती है वो नहीं हो पा रही बच्चों की, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस खोल लें। तो यहाँ पे जैसे कोचिंग क्लास खोल ली, तो ये एक अवसर है, ठीक है। अब हमारे लिए ये कोचिंग क्लासेस यहाँ पे एक अवसर हो गया। अब अवसर का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, तो विश्लेषण एवं मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, कि वो कोचिंग क्लास तो हमने खोल ली, अब उस कोचिंग क्लास को हम ध्यान रखेंगे, ध्यान किस प्रकार रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमने कोचिंग क्लास तो खोलेंगे, वहाँ पे ओपन करेंगे, पर उस कोचिंग क्लास में स्टूडेंट आएंगे कि भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर एकदम बैकवर्ड एरिया है या फिर बैकवर्ड नहीं कहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे उनका जो प्रोफेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उनकी इनकम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो फीस दे पाए, मतलब पहले विद्यालय शुल्क दो या महाविद्यालय शुल्क दो, उसके साथ साथ वो अलग से कोचिंग शुल्क भी, जो कोचिंग की फ़ीस होती है वो भी अफोर्ड कर पाए, तो ये ज़रूरी नहीं। तो हमको पहले विश्लेषण करो कि उस क्षेत्र विशेष में क्या इस इनकम के लोग रहते हैं कि जो फीस अफोर्ड कर पाए, और फिर मूल्यांकन करो कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। अब जैसे हम कॉमर्स की बात करें, तो कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बीएम सब्जेक्ट होता है, ईएफएम होता है और एबीएसटी होता है, ठीक है। अब इसमें बीएम जो सब्जेक्ट होता है वो विद्यार्थी अगर ध्यान से लगा के पढ़े तो वो खुद उसको रिकवर कर सकता है, उसको कवर कर सकता है, एटलीस्ट 50% सिलेबस तो वो अच्छे से कवर अप कर ही सकता है, बाकी 50% वो इधर उधर से अपने फ्रेंड से समझ ले, टीचर से समझ ले, वो कर पाएगा। ईएफएम है, ईएफएम भी बीएम की तरह ही है, एकदम बीएम की तरह नहीं बोल सकेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं ईएफएम में, बट ईएफएम ऐसे है कि 50% जो पोर्शन है वो पूरा थ्योरिटिकल है, जो स्टूडेंट खुद कर सकता है, और 50% है वो उसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ईएफएम भी वो 50% कवर कर ले तो उसके पासिंग मार्क्स बन जाते हैं। बट अगर हम एबीएसटी की बात करें तो एबीएसटी पूरी तरीके से खुद पर डिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का माइंडेड इंसान है तो वो ही खुद के लेवल पे आके उसको कवर कर सकता है, लेकिन एबीएसटी के लिए अदरवाइज हमको ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की। तो यहाँ पे हमको कोचिंग के लिए एबीएसटी सब्जेक्ट हमने चुना। अब एबीएसटी हमने चुन लिया वहाँ पे कि एबीएसटी की डिमांड है, तो अब स्टूडेंट के लिए क्या फीस रखी जाए, उसके लिए फिर हमने प्रारंभिक तैयारियाँ करना। पहले तो फीस हमने देखी कि फ़ीस क्या रखी जाए, अगर स्टूडेंट है, काफ़ी रिच फैमिलीज़ है वहाँ पे,
तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी फीस रख सकते हैं। और अगर फैमिली ज़्यादा रिच नहीं है, नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार वहाँ पर रहते हैं, तो हमको अपना फीस का स्ट्रक्चर वही रखना पड़ेगा। और एकदम ही न्यूनतम है तो वहाँ पे तो फीस फिर हम लगाएंगे क्या, हमें कोचिंग क्लासेस खोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो इसलिए हमको वहाँ पे देखना होगा और उस अकॉर्डिंग हमने अपनी फीस वहाँ पे बनानी होगी, शुल्क जो भी होगा। फिर है प्रारंभिक तैयारियाँ करना। तो प्रारंभिक तैयारियाँ में क्या किया, प्रारंभिक तैयारियाँ करने में हमने पहले एकदम अरेंजमेंट किए, टीचर्स के अरेंजमेंट किए कि हम टीचर्स लेके आए अच्छे अच्छे, और उसके साथ साथ हमने अदर जो मतलब कि जो पीडीएफ होते हैं, बुक्स होती है, वो सब हमने अवेलेबल की, हमने उन सब से रिलेटेड कार्य किए। फिर है व्यावसायिक योजना का निर्माण। योजना मतलब कि जैसे कि ना देखा जाए तो जो शिक्षा होती है वो पूरे 12 महीने नहीं चलती, 12 महीने चलती भी है तो वो स्कूली शिक्षा, जो स्कूल की जो शिक्षा होती है वो 12 महीने नहीं चलती, उसमें 2-2.5 महीने की छुट्टियां भी आती है, महाविद्यालय में आती है। लेकिन अदर कोर्सेज हम देखें जैसे प्रोफेशन कोर्सेज है, सी ए सी एस आदि, सब में छुट्टियां नहीं देखने को मिलती। तो हमको उस अकॉर्डिंग व्यवसाय की योजना बनानी है। फिर उपकर्म संरचना का निर्माण करना, किस प्रकार का उपकर्म बनाना है। वित्त व्यवस्था करना, क्योंकि पैसे तो चाहिए, बिना पैसों के हम फर्नीचर कहाँ से लाएंगे, बिना पैसों के हम सैलरी कैसे देंगे अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को, बिना पैसों के हम कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वित्त की व्यवस्था करना ज़रूरी है। और फिर लास्ट पॉइंट है उपकर्म का शुभारंभ कर देना। फिर लास्ट में हम उपकर्म का शुभारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको उपकर्म के प्रवर्तन की प्रक्रिया चलती है। तो उपकर्म के प्रवर्तन की प्रक्रिया आपको होपफुली समझ में आई होगी, किस प्रकार से उपकर्म का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से उपकर्म का परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आप जो मैंने उपकर्म की परिवर्तन की प्रक्रिया लिखाई है उसके नोट्स है, उसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए।